साइंटिस्ट स्टूडेंट रहा हूँ। ये ठीक है, ट्रायल होता है। कई बार आप नहीं कामयाब होते हैं लेकिन आपको कमी पता लग जाती है। ये बोल थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के, जब उनसे गठबंधन की नाकामयाबी के बारे में पूछा गया। हाल ही में हुए एक प्रोग्राम के दौरान प्रेस से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव, जहां उन्होंने गठबंधन की असफलता को लेकर जवाब दिया। मैंने अपने मैसूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, उससे पहले मेरी पढ़ाई हुई है, साइंस स्टूडेंट रहा हूं। तो ये ठीक है, ट्रायल होता है, कई बार नहीं आप कामयाब होते हैं लेकिन कम से कम आपको कमी पता लग जाती है। मैं आप भरोसा दिला सकता हूँ कि आदरणीय मायावती जी के लिए जो मैंने पहले दिन कहा था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो मेरा सम्मान उनका सम्मान होगा, वो आज भी मैं वही बात कहता हूँ। अखिलेश ने सफाई देते हुए यह भी कहा कि जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, अगर हमें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अकेले लड़ना है तो मैं अपनी पार्टी के नेताओं से भविष्य की रणनीति के लिए सलाह लूंगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव सपा अकेले ही लड़ेगी। और जहाँ तक सवाल गठबंधन का है, अकेले लड़ने का है, क्योंकि अब रास्ता राजनीति में खुला है, और अगर गठबंधन में उपचुनाव में अकेले अकेले लड़ रहे हैं तो मैं पार्टी के सभी नेताओं से राय मशवरा कर करके आगे आने वाले समय में क्या रणनीति बने, उस दिशा में काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में बड़े जोर शोर से बने इस गठबंधन में आरएलडी भी शामिल थी। जिस दिन गठबंधन हुआ था उस दिन ऐसा लग रहा था कि अब यह गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में असर डालेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातों से ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में दोनों मिलकर पीएम मोदी के विजय रथ को रोक देंगे। दरअसल यह आत्मविश्वास गोरखपुर, फूलपुर और कैराना उपचुनाव में हुई जीत के बाद का था। यहां तक मायावती ने कांग्रेस को इस गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और बीएसपी को हर बार कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से नुकसान झेलना पड़ जाता है। जबकि अखिलेश यादव कांग्रेस को शामिल करने के पक्ष में थे। महागठबंधन वोट प्रतिशत के मामले में कागजों पर बीजेपी से मजबूत जरूर था लेकिन जमीन पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत थी और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा रखी, जिसका नतीजा सबके सामने है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या महागठबंधन की नींव इतनी कमजोर थी कि एक हार भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और टुकड़ों में बिखर गया। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे Alive 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।